दशरथ मांझी जी का कौन सा वो डायलॉग था, तो थोड़ा बोलिए। तुमको क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? देख फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए गाइस और आगे का व्यूज दिखाते हैं। सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स एवरीबॉडी, दिस इज मी अमित सोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, तो अभी मैं बिहार के गहलोर गांव में आया हुआ हूं, जहां पे दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। तो अभी मैं ये गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गाइस, तो अभी मैं वहीं आया हुआ हूं। तो आप देख सकते हो मेरे सामने वो गेट रहा दशरथ मांझी द्वार। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर और आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ। दशरथ मांझी जिसे द माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को इनके बारे में कुछ डिटेल्स में बताना चाहूँगा। दशरथ मांझी जी का जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ एंड इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को हुआ। बिहार में गया के पास गहलोर गांव में एक मजदूर थे और जाति व्यवस्था में सबसे बहिष्कृत मुसहर समुदाय के थे। एंड 1959 में दशरथ मांझी जी की पत्नी फाल्गुनी देवी जी जब इनके लिए खाना पानी लेकर पहाड़ के रास्ते जा रही थी, उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और पैर फिसल जाने से उन्हें गंभीर चोट लग गई और नज़दीक में कोई अस्पताल ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एंड वो अस्पताल वहां से लगभग 55 किलोमीटर दूर वजीरगंज में थी गाइस, एंड वहां तक वो नहीं पहुंच पाए और इनको बहुत बड़ा सदमा लगा। और उसी वक्त उन्होंने ठाना कि आज जो घटना मेरे साथ घटी है वो किसी और गांव वालों के साथ ना घटे। केवल एक हथौड़ी और एक छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। एंड इस सड़क को बनाने में टोटल 22 साल का समय लगा गाइस। कठिन परिश्रम के बाद दशरथ मांझी जी ने अपना सपना पूरा कर दिया। आप समझ सकते हो 22 साल कितना ज़्यादा होता है। और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर में तब्दील कर दिया। एंड इनके ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म और बॉलीवुड फिल्म भी बनी है गाइस। एंड इनको बहुत सारे राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, जैसे पद्मश्री अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। एंड फाइनली गाइस, मैं वहां आ चुका हूं जहां पे दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया था। तो आप देख सकते हो वो पहाड़ बिल्कुल मेरे पीछे रहा। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं पहाड़ की ऊपर की ओर एंड आप लोगों को ऊपर का सीन दिखाता हूँ। एंड अब फाइनली मैं अब वो रास्ते के बीचों बीच चल रहा हूँ गाइस, जिस रास्ते को दशरथ मांझी जी ने पूरा पहाड़ को काट के रास्ता बनाया था, आप देख सकते हो। एक्चुअली ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है एंड बहुत ही दूर दूर से लोग बस इस एक नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। देश विदेश बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं एंड आदमी चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। अब चलिए गाइस, इस पहाड़ के ऊपर की ओर चढ़ते हैं एंड सीन दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हो। सो फाइनली गाइस, तो मैं दशरथ मांझी जी के उन पहाड़ियों पे हूँ जो पहाड़ी को काट के उन्होंने अपने हाथों से रास्ता बनाया था अपनी वाइफ के लिए। तो आप इसको एक प्रकार से प्यार का निशानी भी कह सकते हो। प्यार में एक्चुअली बहुत ही ताकत होती है गाइस, आप दुनिया के किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो अगर प्यार सच्चा हो तो। यस, एंड आप देख सकते हो मेरे साथ एक मेरे भैया है, एक मेरे फ्रेंड है। तो दशरथ मांझी जी का कौन सा वो डायलॉग था, तो थोड़ा बोलिए।
तुमको क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? देख फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ काफी एंजॉय किया, बहुत ज्यादा, एंड काफी मजा भी आया। सो गाइस, तो आज का ब्लॉग्स मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग्स अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लव यू ऑल। थैंक यू ऑल।